और पैसा इन लोगों ने यहीं छुपा के रखा, खर्च के लिए कुछ पैसे ले गए थे। तो FIR जो हुआ है वो 5 लाख लगभग 5,17,000 रुपये से भरा बैग लूट लेने की बात हुई। रिकवरी 4,12,000 रुपये की है। जो पैसे इसमें से रिकवर नहीं हो पाए हैं वो खर्च हुए बताए जा रहे हैं दोनों अपराधकर्मियों के द्वारा। कुछ पैसा ये लोग अपने हाथ में लेकर जमशेदपुर गए थे। तो इस तरह से पूरे घटनाक्रम उद्भेदन हो चुका है। बरामदगी में 4,12,000 रुपये कैश है, देसी कट्टा 2 है, गोली 1 है, खोखा 1 है, स्मार्टफोन 3 है जो इनका फोन है जो इस्तेमाल किया गया था, और घटना में जो स्कूटी इस्तेमाल हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। इन लोगों के द्वारा जो कपड़े पहने गए थे घटनास्थल में उसको भी बरामद कर लिया गया। इस केस का उद्भेदन है जो आप शायद शेयर करना। आपराधिक इतिहास भी है क्या इन लोगों? अभी हम लोग नहीं पता कर पाए हैं। बिहार पुलिस ने एक बार फिर से साहसिक कार्य किया है, बिहार के दायरे से बाहर जाकर लूट के आरोपी को धर दबोचा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना पुलिस की। पटना पुलिस में बीते दिनों 1 तारीख को अशोक राजपथ पर एक व्यवसायी के स्टाफ को गोली मारकर 5,17,000 रुपया लूट लिया था। उनके हाथ में हथियार थे और लूट कर पैदल ही भाग रहे थे। पुलिस ने साहसिक पब्लिक की मदद से भाग रहे अपराधियों में से एक अपराधी को धर दबोचा और 2 अपराधी भागने में उस समय सफल रहे, लेकिन पटना पुलिस ने झारखंड के जमशेदपुर पहुंचकर उस 2 अपराधी को भी धर दबोचा और पकड़ कर पटना लाए। उनसे पूछताछ की गई। तमाम आरोपी जो जिसने रकम लूटी थी उनके पास से 4,12,000 की बरामदगी भी हो गई और हथियारों की भी बरामदगी हो गई, तथा मौके पर उसने जिस गाड़ी का उपयोग किया था, जो कपड़े पहने थे, उनकी भी बरामदगी पुलिस ने कर ली है। सुनिए इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पटना के सीनियर SP उपेंद्र शर्मा। राजपथ पर चौक थाना के क्षेत्र में घटना घटी थी। वहाँ के एक व्यवसायी हैं जिनका नाम है विकास जालान, उनका ये स्टाफ था विजय आनंद और गोल्डी जिसके साथ घटना घटी थी। कुछ उनका कैश अपने ऑफिस से लेकर बैंक जाना था, यूनियन बैंक में जमा करने के लिए। जिस दौरान कुछ अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा उनसे पैसा छीना गया था। पैसा छीनों के दौरान कुछ छीना झपटी हुई थी, जिसमें अपराधियों द्वारा विजय आनंद को गोली भी मार दी गई थी। फिलहाल वो इलाजरत है। और जो कैश लूटा गया था, लूट के दौरान पब्लिक के सहयोग से, इनफैक्ट पब्लिक का उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा पहल रहा, और मौके से एक व्यक्ति को पकड़ा गया था जिसके पास से फायरआर्म से बरामद हुआ, जैसे गोली चली थी और गोलियां भी बरामद हुई थी। उसको गिरफ्तार किया पुलिस ने और उसके बाद अनुसंधान जारी रखा। जो 2 लोग फरार थे उनके बारे में अभियुक्त ने बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं किया था, लेकिन फिर मौके पर जो हम लोग और सूत्र होते हैं जिनके साथ द्वारा हम लोग अनुसंधान करते हैं, उस माध्यम से शेष 2 जो उनके सहकर्मी अपराधी थे उनकी पहचान हुई और उनको ट्रेस किया गया। तो उन लोगों को घटना के बाद भागते हुए देखा गया, मानपुर के रास्ते गया के होते हुए वो लोग भागे थे और जमशेदपुर चले गए थे। जब वो लोग स्टैटिक हो गए तो फिर पुलिस जमशेदपुर गई और जमशेदपुर जाने के बाद वहाँ से उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों लोग जो गिरफ्तार हुए, पहले जो गिरफ्तार हुआ था उसका नाम था रमेश कुमार, उसके पास से 2 आर्म्स बरामद हुआ था और 1 गोली बरामद हुई थी। जमशेदपुर जाके जो टीम ने पकड़ के लाया उसमें विक्की कुमार उर्फ शेरू उर्फ काबिल उसका नाम है और राहुल कुमार दूसरा अपराधी है। तो टोटल 3 अपराधकर्मी थे। इसमें विक्की कुमार मानपुर का रहने वाला है, मानपुर गया जिला में है। राहुल कुमार जो है वो खाजे कला का पानी टंकी के आसपास का रहने वाला है और रमेश कुमार जो पहले दिन पकड़ाया था ये मुगलपुरा का रहने वाला है। चूँकि मौके से अपराधी पकड़ा गया था पब्लिक के सहयोग से, तो दोनों बाकी जो शेष दोस्त जो थे वो लोग, और पैसा इन लोगों ने यहीं छुपा के रखा, खर्च के लिए कुछ पैसे ले गए थे। तो FIR जो हुआ है वो 5 लाख लगभग 5,17,000 रुपये से भरा बैग लूट लेने की बात हुई। रिकवरी 4,12,000 रुपये की है। जो पैसे इसमें से रिकवर नहीं हो पाए हैं वो खर्च हुए बताए जा रहे हैं दोनों अपराधकर्मियों के द्वारा। कुछ पैसा ये लोग अपने हाथ में लेकर जमशेदपुर गए थे। तो इस तरह से पूरे घटनाक्रम उद्भेदन हो चुका है। बरामदगी में 4,12,000 रुपये कैश है, देसी कट्टा 2 है, गोली 1 है, खोखा 1 है, स्मार्टफोन 3 है जो इनका फोन है जो इस्तेमाल किया गया था, और घटना में जो स्कूटी इस्तेमाल हुई थी उसको भी
बरामद कर लिया गया है। इन लोगों के द्वारा जो कपड़े पहने गए थे घटनास्थल पर उसको भी बरामद कर लिया गया है। इस केस का उद्भेदन है जो आप लोग के साथ शेयर करना था। आपराधिक इतिहास भी है क्या इन लोगों का? अभी हम लोग नहीं पता कर पाए हैं। इन लोगों का हम लोग जेल से संपर्क कर रहे हैं अपने जेल से। अब ये एक लड़का ऐसा मानपुर का भी है और भाग के लोग गया जमशेदपुर भी गए थे, तो यहाँ नहीं मिले तो वहाँ हो सकता है, तो उतना टाइम लगेगा। अभी तक हम लोग इनका निकाल नहीं पाए। इन लोगों को पता कैसे चला कि पैसे जा रहे हैं, फोन लेके जा रहे हैं क्या? ये बड़ा आसान सा चीज़ है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। ये लोग इतनी जल्दी मूव कर रहे थे, कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे? स्कूटी था। ठीक है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।